दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि परिस्थितियाँ कब और कहाँ कौन से हालात पैदा करते हैं किसी को पता नहीं। आपको तो ये जानकारी होगी ही कि अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक हालात पिछले कई दिनों से लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश में जरूरी सामानों के साथ साथ दवाइयों तक की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण परेशान जनता सड़कों पर उतर कर मौजूदा सरकार खिलाफ जमकर विरोध कर रही है। पर क्या आपको मित्र राष्ट्र नेपाल के बारे में पता है, जिसे विश्व के सुंदर देशों में शुमार किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं उसी नेपाल की बात कर रहा हूँ जो भारत सहित एशिया के लोगों के लिए पर्यटन करने का सबसे सुंदर व सस्ता देश है। इस छोटे व सुंदर देश पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई कि यह पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद दूसरा आर्थिक तंगी वाला देश माने जाने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम नेपाल के आर्थिक हालात के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अर्थशास्त्री सहित राजनीतिक लोगों के माथे पर चिंता की साफ लकीरें देखी जा रही है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एक तरफ पड़ोसी मुल्क श्रीलंका देश की आर्थिक दशा को लेकर आपातकालीन स्थिति की तरफ जाता दिख रहा है, वहीं मित्र राष्ट्र नेपाल भी इससे चिंतित दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में ऐसी चुनौतीपूर्ण हालात अचानक पैदा हुए। आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से ही देश के कई आर्थिक संकेतकों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। मौजूदा वित्त वर्ष के बीते 8 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 17% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। मार्च 2022 के मध्य में देश का विदेशी मुद्रा भंडार महज 975 करोड़ डॉलर यानी 1.17 लाख करोड़ नेपाली रुपए ही रह गया है। हालांकि पिछले साल जुलाई के मध्य में यह भंडार 1175 करोड़ डॉलर यानी 1.4 लाख करोड़ नेपाली रुपए का था। विदेशों से सामान आयात करने के लिए किसी देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। नेपाल का जो मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे अगले 6-7 महीने तक विदेशी वस्तुओं का आयात आराम से हो सकता है। पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार उस अहम और राजनीतिक स्तर के नीचे चला गया है। अर्थशास्त्रियों की माने तो नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की एक बड़ी वजह है। उधर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर हमले के चलते पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के अभी और कम होने की आशंका है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना महामारी और अब बढ़ते आयात खर्च के चलते नेपाल का व्यापार घाटा बढ़कर 1.29 लाख करोड़ नेपाली रुपए तक जा पहुंचा है। नेपाली अर्थव्यवस्था के लिए यह भी चिंता की बात है। यही वजह है कि नेपाल सरकार और वहां के केंद्रीय बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंक ने सोना गाड़ियों जैसे लग्जरी सामानों के आयात को प्रतिबंधित किया है। देश के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने बताया कि सरकार समस्या पर काबू पाने के उपायों पर विचार कर रही है। उनके अनुसार सरकार गैर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामानों सहित महंगे सामानों के आयात को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने की सोच रही है। नेपाल सरकार ने यह भी कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम करने के उपाय भी खोज रही है। वहाँ की कैबिनेट के पास एक प्रस्ताव आया है कि देश में फिलहाल हफ्ते में एक के बजाय 2 छुट्टियां दी जाए। नेपाल में केवल शनिवार को छुट्टी देने की परंपरा है, लेकिन ताजा प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो आगे शनिवार के साथ रविवार को भी छुट्टी होगी। नेपाल को ये दिन इसलिए भी देखने पड़ रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था के 2 सबसे अहम स्तंभ नागरिकों के द्वारा विदेशों से भेजी जाने वाली आय और पर्यटन से होने वाली कमाई पर कोरोना महामारी का तगड़ा असर हुआ है। दूसरी ओर एक नाटकीय घटनाक्रम के बीच सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर को बर्खास्त करने का फैसला किया है। अब उन पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए कई आर्थिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि नेपाल भी जल्दी ही श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है। हालांकि नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने ऐसी चिंताओं को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री ने गवर्नर को बर्खास्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जांच के दौरान केंद्रीय बैंक के गवर्नर पर लगी आरोपों को सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया है कि नेपाल भी श्रीलंका के रास्ते पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि लोग श्रीलंका से हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं। जनार्दन शर्मा ने कहा कि नेपाल की आर्थिक स्थिति अच्छी है। नेपाल के लिए कुल सार्वजनिक कर्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये दक्षिण एशिया या दूसरी देशों की तुलना में बहुत कम है। मालूम हो कि श्रीलंका में ये आंकड़ा उनकी जीडीपी का 120% है। वहीं नेपाल पर अभी जीडीपी के मुकाबले केवल 43.4% का ही सार्वजनिक कर्ज है। मौजूदा वित्त वर्ष में नेपाल को 33 करोड़ डॉलर का कर्ज भी लौटाना है। इसके लिए भी उसे विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत है। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार भी हम जान लेते हैं कि नेपाल व श्रीलंका में क्या है आर्थिक तुलना। दोस्तों, एक तरफ जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान समय में श्रीलंका की जनसंख्या 2.17 करोड़ के करीब है। वहीं नेपाल की जनसंख्या 2.09 करोड़ के आसपास है, जबकि अर्थव्यवस्था का आकार श्रीलंका का 8,000 करोड़ डॉलर वहीं नेपाल का 3,500 करोड़ डॉलर है।
अगर हम बात करें सार्वजनिक कर्ज या जीडीपी का, तो श्रीलंका का 120%, वहीं नेपाल का 43% है। अगर बात करें कि वर्तमान आर्थिक वर्ष में विदेशी कर्ज लौटाने की, तो श्रीलंका को विदेशी कर्ज 400 करोड़ डॉलर व नेपाल को 33 करोड़ डॉलर लौटाने हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए टेक तहजीब।